आखिरकार अब इंतजार खत्म हुआ। जिले की शराबबंदी उठाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय का कहीं स्वागत हो रहा है तो कहीं टिप्पणी की जा रही है। जिला शराबबंदी होना चाहिए, इसके लिए कई आंदोलन और मोर्चे किए गए जो कि सफल रहे। चंद्रपुर जिले में 1 अप्रैल 2015 से संपूर्ण जिले में शराबबंदी का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद पिछले 6 वर्ष में फरवरी 2021 तक करीब 118 करोड़ 21 लाख 99 हजार 438 रुपयों की अवैध शराब पुलिस ने पकड़ी। 47,362 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। जिला शराबबंदी होने के बावजूद यहाँ धड़ल्ले से शराब आने लगी। असली शराब की जगह नकली शराब मिलने लगे, जिससे कई दुष्परिणाम सामने आए। एक और तो शराबबंदी होने से कई लोग बेरोजगार हुए। चंद्रपुर जिले में अवैध शराब बिक्री की धूम मची। गांव शहर से शराब माफिया शराब तस्करी को अंजाम दे रहे थे। इस शराब तस्करी में महिला भी शामिल हुई। इतना ही नहीं तो नाबालिग युवा भी इसके शिकार हुए। कई अपराधी प्रवृत्तियां बढ़ने लगी। आखिर इस पर उपाय, शराबबंदी उठाने की मांग होने लगी और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति के जरिए अहवाल मंगवाए गए, जिसमें शराबबंदी हटाने संदर्भ में अधिक अहवाल प्राप्त हुए। इसके लिए पुरजोर प्रयास शुरू ही थे कि आखिरकार शराबबंदी हटाने का निर्णय 27 मई को राज्य मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक में लिया गया। चंद्रपुर जिले के पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने चंद्रपुर की शराबबंदी उठाने संदर्भ में समिति गठित की। इस समिति के बाद राज्य सरकार ने झा समिति गठित की। झा समिति का अहवाल राज्य शासन को प्राप्त होने के बाद कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मंत्रिमंडल के सामने चंद्रपुर की शराबबंदी संदर्भ का विषय आगे लाया और कैबिनेट ने चंद्रपुर की शराबबंदी हटाने का निर्णय लिया। पालक मंत्री वडेट्टीवार ने चंद्रपुर की शराबबंदी हटाने संदर्भ में लिया पुढ़ाकार और दिया शब्द आज सार्थक हुआ है। जब शराबबंदी हटाने की खबरें सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई तो सभी और इसी विषय पर विविध प्रतिक्रिया मिलने लगी। अधिकांश लोगों ने फैसले का स्वागत किया, जबकि कुछ लोगों ने इसे कोरोना के संकट में लिया गलत फैसला बताया। तो आइए जानते हैं इस संदर्भ में विधायक सुधीर मुनगंटीवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर जिलाध्यक्ष राजीव कक्कड़, कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष रामू तिवारी, साथ ही नगर सेवक पप्पू देशमुख ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कहा। कोरोनाच्या या संकटात अशा पद्धतीचा निर्णय घेणं हे या सरकारचा एकूण कोरोना विषयक काय दृष्टिकोन आहे, जनहित विषयक काय दृष्टिकोन आहे हे सांगणार आहे। खरं तर तर्क काय आहे दारूबंदी हटवण्याचा हे सरकारने आणि विशेष करून सरकारच्या प्रमुखांनी सांगितलं पाहिजे। जर एक तर्क असेल की अवैध दारू विकल्यानी या ठिकाणी आपण दारूबंदी हटवतोय, तर ज्या वर्धा जिल्ह्यामध्ये काँग्रेसनी दारूबंदी केली त्या जिल्ह्यामध्येही अवैध दारू विकल्या जाते, मग महात्मा गांधींना वर्धा जिल्ह्यापुरता त्यांचा दारूविरोधी जो विचार होता तो बंदिस्त करायचा का। खरं तर चंद्रपूर जिल्ह्याची दारूबंदी ही 588 ग्रामपंचायतींनी ठराव केले। हजारो महिला पदयात्रा करत मोर्चा करत नागपूरपर्यंत गेले आणि या जिल्ह्यामध्ये ही जनतेची मागणी लक्षात घेऊन 10 डिसेंबर 2011 रोजी या संदर्भात स्वर्गीय आर.आर. पाटलांनी या मोर्चाला संबोधित केलं। विधानसभेत मी चर्चा घडवली, यामध्ये समिती काँग्रेस सरकारने केली, त्या समितीमध्ये समाजसेवक डॉक्टर अभय भंग, डॉक्टर विकास आमटे यांनी अतिशय अभ्यासपूर्ण अहवाल केला आणि त्या अहवालाच्या आधारावर मात्र भाजप सरकारने महात्मा गांधीच्या विचारावर शिक्कामोर्तब केलं, दारूबंदी केली। मला आश्चर्य वाटतं की दारूतून या सरकारला पैसा हवा आहे। खरं तर मागच्याही डिसेंबर अधिवेशनामध्ये मी हा विषय उचलला होता, 450 कोटी दारू लायसन्स धारकांची सूट दिली होती, वाईन प्रमोशन स्कीममध्ये पैसे दिले, काही कालावधीच्या अगोदर राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठ नेत्यांनी पत्र दिलं की शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ करू नका, याच्यावर ते काही बोलले नाही, गोरगरिबांच्या वीज बिलाबद्दल बोलले नाही, पण परमिट रूमवाल्यांचे वीज बिल मात्र माफ करा। आणि म्हणून या सरकारकडून यापेक्षा काय अपेक्षा करणार।
काँग्रेसचा सदस्य व्हायचं असेल तर त्या पावतीच्या मागे विहू नसतं की मी दारू पिणार नाही। ती महात्मा गांधींची काँग्रेस संप गई आणि ही नवीन काँग्रेस आहे की ज्या काँग्रेसला दारूबंदी उठवणं हा या कोरोनाच्या संकट काळातला महत्त्वाचा मुद्दा वाटला। आणि मला व्यक्तिगत रीतीने वाटतं की पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देत नाही पण आम्ही दारूबंदी हटवतो अशी ही काँग्रेसला दिलेली अमूल्य भेट आहे। या अगोदर काँग्रेसच्या नेत्यांनी सांगितलं की पदोन्नतीमधलं आरक्षण आम्ही यासाठी आवश्यकता असेल तर आम्ही सरकार सोडू, तर मला वाटतं की त्याच्या बदल्यात दारूबंदीची ही मोठी भेट ही काँग्रेसला देण्यात आली। चंद्रपूर जिल्ह्याची दारूबंदी सन 2015 झालेली होती। जिल्ह्यात दारूबंदी झाल्यानंतर गुन्हा जे दर वर्षामध्ये जे गुन्हे होत होते त्याच्यात वाढ झाली, 3-4 पटांनी वाढ झाली। म्हणजे 2000-3000 गुन्हे नोंद होत होते ते 7000-8000-11000 पोचले आणि पूर्ण जिल्ह्यामध्ये बेरोजगारी इतकी वाढली, चंद्रपूर जिल्ह्याची फार बिकट परिस्थिती झाली। आज दारूबंदी होऊन 6-6.5 वर्ष होत आहे, तरीसुद्धा आपण बघत आहो की जेव्हा मागची पण सरकार होती तेव्हाही दारू भेटायची आणि आत्ताही दारू कुठे ना कुठे भेटायची। चंद्रपूर जिल्ह्याचा पैसा हा मार्केटचा पैसा हा बाहेरचे इतर जिल्ह्यामध्ये तेलंगणा मध्य प्रदेश किंवा महाराष्ट्राचे नागपूर यवतमाळकडेच चालला होता आणि तस्करी खूप वाढली होती आणि याचा परिणाम पोलीसवाल्यांवरही झालेला आहे। एका पोलीसवाल्याला एका बलोरोवाल्याने उडून टाकला तस्करी करत असताना, असे खूप वाईट परिणाम चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये झाले। आज आम्ही सगळे आनंदित आहोत की महाविकास आघाडीनं हा निर्णय घेतला, आज 27 मेला चंद्रपूर जिल्ह्याची दारू हटवण्याचा दारूबंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला हा खूप योग्य निर्णय आहे आणि हा निर्णयाला प्रत्येक चंद्रपूरकर याचं स्वागत करते आणि याचा सगळ्यांना आनंद आहे आणि चंद्रपूर जिल्ह्याची रोजगार आणि बाकीचे जे गुन्हे होत होते ते त्याच्यामध्ये कमी येईल असा मला विश्वास आहे। आज जो महाविकास आघाडी सरकारने जो निर्णय लिया आहे दारूबंदी चंद्रपूर जिल्हे की हटाने का, उसका हम स्वागत करते हैं क्योंकि पिछले 6 सालों से जो दारूबंदी के कारण जो अवैध दारू का जो प्रकार चंद्रपूर जिले में चल रहा था उसके कारण कई परिवारों के ऊपर गुन्हे दाखिल हुए, कई परिवार उसके कारण बर्बाद हुए। एक अच्छा निर्णय लिया है हमारे आदरणीय विजू भाऊ और सरकार ने, हम उनका अभिनंदन करते हैं। असल में चंद्रपुर में शराबबंदी खाली ऑन पेपर थी और यहाँ का महाराष्ट्र सरकार शासन और प्रशासन इन्होंने जिस तरह से काम किया पिछले 6 सालों में यह सब उनके करतूतों का असर है। इस अवैध शराब के व्यवसाय में यहाँ के सरकार में के कुछ लोग, उनके पार्टी के पदाधिकारी, इतना ही नहीं कुछ लोग जनप्रतिनिधि अवैध शराब के व्यवसाय में खुले मैदान में उतरे थे। ये ओपन सीक्रेट था जिले में, सभी को मालूम था कि कौन कौन शराब के धंधे चला रहे हैं, अवैध शराब के धंधे चला रहे हैं। और इन सब कारणों की वजह से जनमत जो है यहाँ का चंद्रपुर जिले का वो शराबबंदी के खिलाफ गया और सरकार ने आज जो निर्णय लिया है इसी तरह से चंद्रपुर में जब से नए जिलाधिकारी अजय गुलाने साहब आए हैं तंबाकू की तस्करी, रेती की तस्करी, गुटखे की तस्करी खुलेआम हो रही है। मुझे लगता है एक दिन चंद्रपुर जिले में सभी इस तरह के व्यवसायों को खुला कर देने की मांग भी जनता से उठ सकती है। सरकार और प्रशासन ने इस मामले की गंभीर दखल लेनी चाहिए, ऐसा मेरा आह्वान है।